लिए तैयार है हमारी अतरंगी आइटम डोसा छोले। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है आओ सा खाओ सा। मैं हूं गजेंद्र और कैमरा के पीछे हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही है अंजलि। तो भाई आज हम आपको लेकर के आ गए हैं बहुत ही ज्यादा अतरंगी चीज खिलाने के लिए, जिसका नाम सुन के ना आप भी बोलोगे कि यार ये कौन सी ऐसी चीज है। भाई पहली बार हम नाम सुन रहे हैं, हम खुद यहाँ पे आके पहली बार चीज का नाम सुन रहे हैं। भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है डोसा छोले। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, डोसा छोले। आखिर ये भला क्या है भैया, हम भी इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसी वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। आ जाओ फटाफट से चलते हैं अंदर और जानते हैं इस क्या नाम, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, क्या नाम था, डोसा और छोले के बारे में। आ जाओ तो ये देखो भाई, ये है सुरेंद्र दे स्वादिष्ट डोसा छोले की आउटलेट, मैं यूँ कहूँ। और जैसे कि भी आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पे अभी लोग हैं जो इस डोसा छोले का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। बाकी और भी जानेंगे, भैया से बात भी करेंगे। पहले आप एक बार यहाँ पे आके ये देखिए भाई, छोले की क्वांटिटी देखो और यहाँ पे जिस तरीके से ये प्रिपेयर हो रहा है ना, ये देखो। मतलब भाई जानना पड़ेगा, क्योंकि ना मतलब ब्रेड को इन्होंने किस तरीके से बना रखा है समझ में नहीं आ रहा। एक बार भैया से ही जानेंगे और फिर जानेंगे इसके बारे में कि आखिर डोसा छोले का इन्वेंशन हुआ कैसे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइए कि आखिर डोसा छोले चीज क्या है? ये सिर्फ एक ब्रेड है, ऊपर नीचे आलू का स्टफ लगा के ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ फ्राई करके उसका नाम डोसा रखा गया। अच्छा तो नाम है डोसा छोले, लेकिन जो आइटम है वो ब्रेड से तैयार है। ब्रेड से, ब्रेड और आलू से। ब्रेड और आलू से, ओके। तो ये जो छोले हैं ये मतलब भटूरे से सिमिलर होते हैं? नहीं नहीं, अलग होते हैं। अलग होते हैं। ओके, तो मतलब चने हैं, प्योर छोले हैं। ओके, प्योर छोले हैं भाई। जैसे कि देख सकते हो छोलों की रंगत ना इतनी बढ़िया, भैया थोड़ा सा चला के दिखाएंगे। ये देखो भाई छोलों की रंगत इतनी बढ़िया है ना, तो यार खाने में कितने मजेदार होंगे। इसमें सफेद छोले भी है और काले वाले भी है, मिक्स, दोनों मिक्स है। ओके, और थोड़ा सा भैया मुझे ब्रेड के बारे में भी बता दीजिए। जो ये आलू जो बना रहा है, जो तवे के अंदर बन रहा है ना, जो ये दोनों तरफ फ्राई होता है। अच्छा, दोनों तरफ आलू लगे हुए हैं, एक पहले एक तरफ फ्राई होगा फिर दूसरा फ्राई होगा। ओके, तो इसके अंदर आलू की फिलिंग होती है? हाँ, आलू की फिलिंग होती है। तो इसमें जो आप आलू की जो फिलिंग डालते हो, इसमें कुछ मसाले वगैरह भी? नहीं, सिर्फ नमक डालता है। सिर्फ नमक डालता है? सिर्फ नमक। ओके, तो मतलब फिर टेस्ट आता कहाँ से? ये सब छोले और चटनी, मेन छोले हैं, मेन छोले और चटनी है। जो इसका खस्तापन है, करारापन, हाँ जी, वो अच्छा लगता है खाने में। ओहो क्या बात है, तो ये खस्तापन ये करारापन हमें भी चखना पड़ेगा। भैया थोड़ा सा चटनी के बारे में मुझे बता दीजिए। हाँ जी, जो चटनी है ये लाल वाली। अच्छा, ये लाल वाली है? ये गुड़ की है। ये गुड़ की चटनी? हाँ जी। और ये पुदीने की है? ये पुदीने की है। ओके, तो हम भी टेस्ट करते हैं। तो भैया प्राइसिंग क्या रहती है इनकी? 30 रुपए सिर्फ। 30 रुपए। और एक बार कोई अगर आप तक पहुँचना चाहे तो उसका एड्रेस बता दीजिए। NID फरीदाबाद, नियर इंडिया कॉलेज। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी। और ये भैया ये क्या तैयार कर रहे हो? ये शकरकंदी चाट है। ये है शकरकंदी की चाट, क्योंकि सर्दियां आ गई और सर्दियों में आती है बढ़िया मीठी मीठी शकरकंदी। तो भैया सबसे बेस्ट टाइम है शकरकंदी खाने का, सबसे मस्त। ये लो जी, ये तैयार है। अब हम भी अपने लिए एक प्लेट लगवा लेंगे डोसा छोले की, क्योंकि सांभर डोसा सबने खाए थे। डोसा छोला ट्राई पहली बार करने वाला हूं मैं खुद। यहां से बाहर है नहीं ना, NID से बाहर है नहीं। ओके, ये आइटम है ही नहीं। अच्छा, हाँ ये तो है। तो ये देखिए भाई, ये है वो आलू की स्टफिंग जिसमें सिर्फ नमक डाला होता है और ये ब्रेड के ऊपर लगा के फिर उसके बाद सीधा ये जाता है यहाँ पर तवे पे, और उसके बाद यहाँ पर होता है ये डीप फ्राई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आने के बाद ये हो रहा है यहाँ पे डीप फ्राई। क्या बात है, आपके डोसा छोले बना रहा हूँ। तो अभी ये लगने जा रही है हमारी छोले, डोसा छोले की प्लेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आगे भी इनकी ब्रेड जो कि आलू की स्टफिंग वाली होती है, ऊपर से ये आ गए छोले, और छोलों के बाद आती है ये मीठी चटनी, गुड़ की चटनी होती है, और ये पुदीना की चटनी, और ये ऊपर से गार्निश करते हैं प्याज के साथ चम्मच। और ये लो जी तैयार है हमारी डोसा छोले, ये खाली हमें खाने को मिलेगा फरीदाबाद में। हाँ, फरीदाबाद में NIT में। NIT में, ओके। और ये खाओगे इसके बाद मिलता है छोले का पानी। अच्छा, इसी प्लेट में, इसी प्लेट में मिलता है छोले का पानी। तो और भैया मैंने ये भी सुना है कि ये पाकिस्तान से भी आया ये डिश है, ऐसा? नहीं नहीं, ना डिश नहीं है, पाकिस्तान से ऐसा होता है कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, मतलब दादा पापा होना यहीं पे,
तो ये आइटम ऐसी है जो यहीं पे है। ये तैयार है भाई हमारी डोसा छोले की फटाफट से। यार ये तैयार है हमारी अतरंगी आइटम डोसा छोले। भाई डोसा छोले नाम है लेकिन जो इसका जो माल है वो है ब्रेड का, और ब्रेड के अंदर भरी होती है आलू की फिलिंग जिसमें सिर्फ नमक डाला हुआ होता है, और मेन खेल जो इनका छोलों का है, और ऊपर जो दो प्रकार की चटनियाँ डालते हैं उसका है। मुँह में आ रहा है पानी क्योंकि यूनिक है आइटम। फटाफट से टेस्ट करते हैं। देखो देख के अगर हम बात करें तो काफ़ी यूँ ऐसे ब्रेड जो है मसालों में ना एकदम ऐसे लिबड़ी हुई सी है। ये देखो किस कदर एकदम ऐसे ना अच्छे से एकदम मज़ा आ जाएगा इसको खा के भाई, कैसे होने वाले हैं। और ऊपर से प्याज डाला हुआ है, चटनियाँ डाली हुई है, तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं। खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है यार, हल्की सी ना इसे टिक्की हो जाती है ना इसे मसाले में लिबड़ी हुई, एकदम वैसी सी खुशबू आ रही है, मज़ा आएगा इसको ट्राई करते हैं फटाफट से। ये लो जी ये तैयार है हमारी बाइट, फोकस कर ले इस पे अच्छे से, अब इसको ट्राई करते हैं। ये देखो भाई एक और बाइट लेते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इंप्रेशन की कि खाते आपके मुंह में कैसा फील होने वाला, तो भैया जैसे आप खाओगे ना सबसे पहले आपको जो इसका क्रंच है ना, जो ब्रेड एकदम करारी होकर सिकी हुई है, फ्राई हुई है मतलब के, वो बहुत अच्छा एकदम क्रंची वाला बाइट देगी आपको, और ना खट्टा मीठा सा स्वाद है ऑब्वियसली चटनियों की वजह से। और जो छोले हैं वो काफ़ी ना मसालों में ना एकदम लाइट है, ज़्यादा तीखे नहीं है, लाइट मसाले हैं, और कुल मिला के जो है ना ये जो डिश है ना एकदम न्यूट्रल सी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, खट्टा मीठा आपको फ्लेवर मिलेगा, क्रंच मिलेगा। तो कुल मिला के आपको ये जो है एक बेसिक सी, यूँ कहूँ बेसिक मगर अतरंगी सी जो ये डिश है ना ये आपको खाने में ना अच्छी लगेगी, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी। आप भी आइए ट्राई कीजिए ये, इनका नाम ना बार बार ना मसाला डोसा निकल वाला डोसा सामान निकलने वाला होता है, इसका नाम है डोसा छोले। यार चलो हम लेते हैं डोसा छोले का मजा। अगर आपको भी स्वाद चखना है तो फटाफट से आ जाओ फरीदाबाद NIT राइट, NIT मार्केट। डिस्क्रिप्शन पे आपको लोकेशन टाइमिंग सब मिल जाएगा, हम लेते हैं इसका मजा, आप भी आइए अगर आपको ट्राई करना है। मिलते हैं आपसे अगली किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।